इस लेक्चर में हम प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट करेंगे रेसिस्टेंस इन सीरीज एंड रेसिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, तो पहले हम ये रेसिस्टर हमने कनेक्ट किए हुए हैं, वो ये सब हमने सीरीज में कनेक्ट किए हुए हैं। ठीक है, तो ये 40 ओम के रेसिस्टर हैं। ठीक है, और इसको कनेक्ट कर रहा हूँ मैं इसका एक एंड दूसरे के एंड से, और उसको कनेक्ट कर दिया। ठीक, उसके बाद ये तीसरा रेजिस्टर है, ये जो दूसरा रेजिस्टर है उसका जो लास्ट का एंड है उसको इसके फर्स्ट एंड से कनेक्ट किया, और जो सेकंड एंड है उसको हमने ओपन छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब ये जो सर्किट है अगर इसको हम देखें सीरीज में, तो जब ये इस तरह कनेक्ट किया है तो रेसिस्टेंस इन सीरीज, तो रेसिस्टर इन सीरीज, तो रेसिस्टर इन सीरीज में हमने जो रेसिस्टर, एक रेसिस्टर, फिर एक दूसरा रेसिस्टर, फिर एक तीसरा रेसिस्टर, ये कनेक्ट किए हुए हैं। तो थियोरेटिकली इनकी जो वैल्यू है 40 ओम। ठीक है, तो 40 ओम के लिए गए हैं, और अब अगर हम इसको इन दो टर्मिनल पे अगर कैलकुलेट करें तो ये देगा सम। तो थियोरेटिकली हमारा आर इक्वल्स टू जो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो आर वन प्लस आर टू, तो इसका नाम दे दिया आर वन, इसका नाम आर टू, इसका नाम आर थ्री, तो आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, तो जो सम आएगा वो आएगा हमारा 120 ओम। ठीक है, अब प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू हो गई, अब प्रैक्टिकली इसको करके देखते हैं। तो ये मल्टीमीटर है, अब इसको मैं बना देता हूँ ओहमीटर। तो ओहमीटर में बनाने के लिए मुझे इसको जो रेंज है 200 ओम की है। ठीक है, तो 200 पे इसको सेट कर दिया। अब इन दोनों को देखते हैं, तो एक जो रेसिस्टर है ये तो है सारी की सारी थ्योरेटिकल वैल्यू जो मैंने यहाँ पर लिखी है, अब प्रैक्टिकल वैल्यू देखते हैं एक रेसिस्टर कितनी वैल्यू है। तो 38.3 इसकी वैल्यू है 38.3, और इसकी जो वैल्यू है वो है 38.1। ठीक है, तो जो वैल्यू आई है थर्टी एट पॉइंट वन ओम और 38.3 ओम, तो ये वैल्यू आई है इंडिविजुअल जो रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं उनकी, ये वैल्यू है। सही है, ये है प्रैक्टिकली प्रैक्टिकल वैल्यू। बेसिकली जो रेसिस्टर होते हैं उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होती है तो उसमें उसका प्लस माइनस भी इन्वॉल्व होता है, तो जब कलर कोडिंग डिस्कस करेंगे तब उसमें उसको हम समझेंगे। ठीक, अब मैं इसका सबका सम कर रहा हूँ, तो ये दो पॉइंट हैं। ठीक है, तो मैं ये तीनों रेसिस्टर, इन तीनों रेसिस्टेंस का सम करके देखता हूँ। तो 114.9, तो 114.9, तो जो वैल्यू आई है आर प्रैक्टिकल वाई है 114.9। ठीक है, प्रैक्टिकली एक से ज्यादा रीडिंग ले लो ज्यादा बेटर रहता है, जब इंस्ट्रूमेंट में थोड़ी सी है ना वो जो रीडिंग है थोड़ी गलत रीडिंग देते हैं इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो वो कनेक्शन की भी दिक्कत हो सकती है, कुछ और भी हो सकता है, तो 114.7 दे रहा है अब। ठीक है, चलो एक रीडिंग और ले लेते हैं 114.7। तो बेसिकली क्या करते हैं, तीन चार रीडिंग लेते हैं और जो रीडिंग रिपीट होती है उसको ही हम करेक्ट मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा टाइम कम है तो इसलिए मैं, तो 114.7, तो इसको सम करेंगे 3, 4, 5, तो ये आएगा 114.5, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे ये चलता है, तो इसके नियर अबाउट है। ठीक है ना, पर 120 और इसके बीच में काफ़ी डिफरेंस है। तो सपोज करो अगर एक रेसिस्टेंस है हमारे पास 40 ओम का, तो जो मैन्युफैक्चरर जो वैल्यू देता है वो 40 ओम प्लस माइनस 10%। ठीक है, तो 40 ओम का 4 यानी इसकी जो वैल्यू हो सकती है जो रेंज है 36 ओम टू 44 ओम तक हो सकती है। तो ऐसे ही 120 ओम का प्लस माइनस अगर हम 10% करें तो इसकी वैल्यू आएगी 108 ओम टू 120 का 10% 12 इसमें ऐड कर दो, इसमें 12 माइनस कर दिया था। ठीक है, तो 108 था ये 108 ओम टू 138 ओम।
ठीक है, तो हमारी इसी रेंज में है, ठीक है ना, तो करेक्ट है। अब इनको हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में, तो इसको तो यही रहने दो, ठीक है। तो पैरेलल में क्या करना होता है, जो टर्मिनल हैं तो इन सबके टर्मिनल एक साथ कनेक्ट करने हैं, तो यानी इसका टर्मिनल वो एक साथ, सही है, और लास्ट वाला जो टर्मिनल है वो भी इसके साथ में ही कनेक्ट करना है, ठीक है। तो इस शेप का आ गया, ठीक। तो एक का हम निकाल चुके हैं, एक रेसिस्टेंस का, अब दो को देखते हैं। जब दो पैरेलल में लगाए, तो पैरेलल में लगाने के लिए मेरा जो सर्किट है वो किस तरह का है उसको समझ लेते हैं। तो रेसिस्टर इन पैरेलल, पैरेलल, ठीक है। तो अभी मैंने दो रेसिस्टर लगाए, एक रेसिस्टर ये और फिर दूसरा रेसिस्टर ये, और इन दोनों के ये टर्मिनल हमने कनेक्ट कर दिए, ठीक है। तो 40 ओम 40 ओम, ठीक, अब कनेक्ट कर दिए। अब इनका देखते हैं, इनका जो वैल्यू आती है वो कितना आता है। तो जब पैरेलल में लेते हैं तो 1/RP इक्वल्स टू 1/40, सही है, 1/R1, इसको R1 नाम दे सकते हो, इसको R1 दे दिया, इसको R2 नाम दे दिया, तो 1/R1 प्लस 1/R2 तो इक्वल्स टू 1/40 प्लस 1/40, सही है। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा RP इक्वल्स टू 160, तो 40 मल्टीप्लाई बाई 40 डिवाइड बाई 40 प्लस 40, तो ये बनेगा हमारा 160 डिवाइड बाई 80 ओम, तो ये आएगा हमारा 20 ओम, ठीक है। तो अब देखते हैं प्रैक्टिकली क्या वैल्यू आ रही है। इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया है, तो इन दो टर्मिनल पे मुझे वोल्टमीटर, ये ओममीटर कनेक्ट करना है। तो इन दो टर्मिनल पे मैं ओममीटर कनेक्ट करता हूँ, वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, ठीक है, 200 पे रह रहे हैं, ज्यादा रखेंगे तो सही करेक्ट वैल्यू बताएगा नहीं। तो ये आ रहा है 19.5, ठीक है। तो जो मेरी थ्योरेटिकल वैल्यू है, ये तो थ्योरेटिकल वैल्यू है, सही है। तो ये पैरेलल का भी मैंने पैरेलल का सिंबल दिया है बेसिकली, तो पैरेलल लिख देता हूँ, ठीक है। तो थ्योरेटिकल वैल्यू है ये, आर जो प्रैक्टिकल पैरेलल आई है, तो पीपी करके बोल देता हूँ इसको, तो वो आई है हमारी कितना आया था, भूल गया मैं, नाइनटीन पॉइंट सेवन, ठीक। तो ऐसे वैल्यू थी 38, प्रैक्टिकल वैल्यू 38.1, और इसकी भी 38.1 ले लेते हैं, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो कहने का मतलब है, अगर सेम वैल्यू के दो रेसिस्टेंस हैं और उनको पैरेलल कनेक्ट कर दे तो हाफ हो जाते हैं, ठीक है। तो 38 और 38 है, तो 38 का हाफ लगभग ये 19.7, ठीक। तो वैल्यू में कुछ वेरिएशन होता है, ठीक है ना। तो जो प्रैक्टिकल वैल्यू आई है वो ये आई है, और जो थ्योरेटिकल है वो ये वैल्यू है। तो इसको भी हम पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं, इसको करके देखेंगे। तो ठीक, अब इसको देखते हैं। अब तीनों के तीन मैंने रेसिस्टर पैरेलल में लगाए हैं, तो ये आया है 13.4। तो इसको सोल्व करना है तो कैसे करेंगे, तो अगर हमने तीन रेसिस्टर पैरेलल में लगाए तो तीसरा रेसिस्टर भी पैरेलल में हो गया, ठीक है, इसकी वैल्यू भी 38.3 है। तो इसको निकालना है, जब 1 RPP पैरेलल वोल्ट पैरेलल निकालना है, तो थ्योरेटिकल है, ठीक है। तो 1/40 प्लस 1/40 प्लस 1/40, तो ये तो है थ्योरेटिकल वैल्यू, और जो प्रैक्टिकल वैल्यू हमारी बन रही है 1/RPP, तो 1/38.1 प्लस 1/38.2 प्लस 1/38.2, ठीक है, ये वैल्यू है। अब इसको सोल्व करोगे तो सोल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारा 13.5 के आसपास, ठीक है, 13.5 ओम। तो इसको आप करके देख सकते हैं, ठीक है।
मैंने आइडिया दे दिया है कि किस तरह जब पैरेलल में लगाते हैं तो वैल्यू किस तरह चेंज होती है, और जब सीरीज में लगाते हैं तो वैल्यू किस तरह चेंज होते हैं। ठीक, तो ये डेमोंस्ट्रेशन आपको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, शेयर करें मेरी वीडियो। ठीक, थैंक यू।